हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ कश्यप और आपके चैनल माय लाइक वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईटी रिलेटेड कारपेंटर के रिलेटिव वीडियो है जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि नेम द टू मेन टाइप्स ऑफ सा यूज बाय द कारपेंटर। इसको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहना यही चाह रहा है कि सा का मतलब आप समझते हैं, आरी को बोलते हैं हम सा इंग्लिश के अंदर। तो कोई ऐसी दो आरी बताओ जो कारपेंटर के अंदर बहुत ज्यादा काम में आती है। तो इसका आंसर है स्ट्रेट कट सा और सेकंड है कर्व कट सा। मैं दोनों ही आपको डायग्राम बता देता हूँ एनसीवीटी बुक में कि स्ट्रेट कट सा और कर्व कट सा कैसी होती है, जो आईटीआई अपने कारपेंटर के अंदर सबसे ज्यादा काम आने वाली आरी होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है क्वेश्चन। तो चलिए अब हम एनसीवीटी बुक में इसका डायग्राम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मैंने पेज निकाला है ये है काइंड्स ऑफ सा। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सा, स्ट्रेट कट सा और कर्व कट सा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि कारपेंटर में कौन सी ऐसी आ रही है जो बहुत ज्यादा काम में आती है। तो हमने बात की थी स्ट्रेट कट सा की और कर्व कट सा की। तो स्ट्रेट कट सा और कर्व कट सा जो है, ये दोनों आरी जो है कारपेंटर के अंदर बहुत ज्यादा यूज में आती है। पर अपन अब स्ट्रेट कट सा को लेते हैं, ये स्ट्रेट कट सा। अब इस स्ट्रेट कट सा के अंदर भी बहुत सारी आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि रिप सा सबसे बड़ी आ रही है। अगर क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी आ रही कौन सी है, तो रिप सा। ठीक है, ये स्ट्रेट कट सा के अंदर आती है। रिप सा, क्रॉस कट सा, हैंड सा, पैनल सा, टेनन सा और डोटेल सा। और बात करते हैं कर्व कटिंग सा। तो कर्व कटिंग सा के अंदर बो सा, कॉपिंग सा, फ्रेस्ट सा, कंपास सा, नेक्स्ट सा, की होल सा। ठीक है, तो ये सारी आरी जो है, ये वाली, ये तो स्ट्रेट कट सा और ये कर्व कट सा। क्वेश्चन क्या पूछा था कि यानी कि इनकी जाति कह सकते हैं, इन सब आरी जो 1 to 6 जो दे रखी है, इनकी जाति कौन सी है, स्ट्रेट कट सा। और सेकंड जो आरी है 1 to 6, इनकी आरी जाति कौन सी है, कर्व कट सा। तो अब मैं आपको स्ट्रेट कट सा और कर्व कट सा के कुछ डायग्राम बता देता हूँ। जैसे कि ये एक स्ट्रेट कट सा का डायग्राम है, ठीक है, और एक कर्व कट सा का एक भी डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक कर्व कट सा आ रही है। ठीक है, तो चलो एक एक करके मैं सारे एक एक बार बता देता हूँ, 1 to 6 के सारे डायग्राम बता देता हूँ। सबसे पहले हम रिप्सा बताता हूँ आपको। ये देखिए, रिप्सा कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, सेकंड क्या है, क्रॉस कट सा। क्रॉस कट सा कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, थर्ड कौन सा है, हैंड सा। हैंड सा इस तरीके की दिखती है, देखिए ये होती है हैंड सा। थोड़ा धुंधला वीडियो आ रहा है, एक सेकेंड। हैंड सा इस तरीके की दिखती है। ठीक है, और फोर्थ है पैनल सा। पैनल सा कहाँ गई, ये रही पैनल सा। पैनल सा ये होती है। ठीक है, और फिर फिफ्थ है टेनन सा। ये देखिए नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, टेनन सा, और डायग्राम यहाँ पे, ये होती है टेनन सा। ठीक है, और सिक्स्थ कौन सी है, सिक्स्थ है अपनी डोटेल सा। ये रही डोटेल सा। डोटेल सा क्यों, क्योंकि ये टेल है, टेल यानी पूंछ। ये देखो चिड़िया की पूंछ के जैसे दिख रही है, इसलिए इसका नाम है डोटेल सा। तो अभी जो मैंने आपको सिक्स डायग्राम बताए, ये स्ट्रेट कट सा के अंदर आते हैं। अब अपन बात करते हैं कर्व कटिंग सा, यानी पहली बो सा। बो सा ये रही, ये बोसा का डायग्राम है। ठीक है, और कौन सी, सेकंड कॉपिंग सा। कॉपिंग सा कहाँ है, ये रहे कॉपिंग सा, नाम लिखा हुआ है और इसका डायग्राम ये रहा कॉपिंग सा। और थर्ड माँ दे रखी है फेस्ट सा, ये रही फेस्ट सा। और फिफ्थ दे रखी है कंपास सा, ये रही कंपास सा। ठीक है, और सिक्स्थ दे रखी है नेक्स्ट नेस्ट सा, ये रही नेस्ट सा। ये एक स्पेशल आई रही है, इसके अंदर कोई भी मनचाहे ब्लेड अपन फिक्स कर सकते हैं। और लास्ट बची है की होल सा, ये रही की होल सा, की होल सा। ठीक है, अब जो मैंने आपको डायग्राम बताया है, ये सारे जो डायग्राम है ये है अपने कर्व कटिंग सा की। ठीक है, कर्व कटिंग सा।
यानी कि कर्व कटिंग के अंदर ये सारी आरी आएंगी। अब इन आरी की मैं एक एक आरी की आपको सारी की डिटेल्स स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, पर आगे की वीडियो में, अभी सिर्फ क्वेश्चन से ज़्यादा काफ़ी बता दिया मैंने, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटिव कोई भी आपके मन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर चैनल माई लाइक वीडियोज़।